Good morning, class. This is our new pharmacology class in which today we will study about the hyperlipidemic drugs, or we can say anti-hyperlipidemic drugs. Hypolipidemic और anti-hyperlipidemic एक ही बात है. देखिए, आप जानते हैं that the lipoproteins are necessary for the transport of cholesterol and TGs or TAGs in blood. They are chylomicrons, VLDL, LDL and HDL. HDL transports excess cholesterol from peripheral tissue to liver for excretion in bile. In hyperlipoproteinemia, the concentration of lipoproteins in plasma is elevated. तो हमने कहा कि भाई lipoproteins जो हैं वो cholesterol ट्राइग्लिसराइड्स को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने काम आते हैं. इनके अंदर अपन काइलोमाइक्रॉन, VLDL, LDL, HDL पढ़ते हैं. HDL ट्रांसपोर्ट करते हैं एक्सेस का जो कोलेस्ट्रॉल है उसको पेरिफेरल टिश्यू से लीवर तक लेकर के आते हैं और फिर बाइल में एक्सक्रीट कर देते हैं. हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया में लाइपोप्रोटीन की कंसनट्रेशन हमारे प्लाज्मा में बढ़ जाती है. तो इसको हमें कम करना है, और इसको कम करने के लिए अगर अपन ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखें, सो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स आर HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स, बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिंस, फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स, इनहिबिटर ऑफ VLDL प्रोडक्शन एंड लाइपोलाइसिस, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर एंड अदर्स. छह कैटेगरी के अंदर अपन डिवाइड करते हैं. पहली आती है HMG कोएंजाइम ए. HMG क्या है? 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase inhibitors आते हैं. सेकेंड ड्रग्स हैं बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिंस. थर्ड है फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स. फोर्थ है इनहिबिटर ऑफ VLDL प्रोडक्शन एंड लाइपोलाइसिस. फिफ्थ कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स, और सिक्स्थ हैं अदर्स. सबसे पहले अपन HMG coenzyme A reductase inhibitors पढ़ रहे हैं, जिसको अपन स्टैटिन्स भी कहते हैं. दे आर मोस्ट इफेक्टिव एजेंट्स फॉर ट्रीटिंग हाइपरलिपिडीमिया. सबसे अच्छे एजेंट्स हैं ये. दे इनहिबिट HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंड डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन द लिवर. क्या करते हैं ये? HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज को रोक देंगे, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस हमारे लिवर में नहीं हो पाता. ये LDL और VLDL को भी डिक्रीज़ करते हैं, और HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल को प्लाज्मा में बढ़ा देता है, क्योंकि आप जानते हैं HDL जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जबकि LDL बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है. ये इनकी क्या है, शॉर्ट हाफ लाइफ होती है. यूजुअली अपन इनको एक ही दवाई डेली दी जाती है इवनिंग के अंदर, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस जो है वो मेनली नाइट के अंदर हो रहा होता है, तो ये मेडिसिन अपन शाम को देना प्रेफर करते हैं. एंड्रोवेस्टेटिन और रोसोवेस्टेटिन का थोड़ा सा लॉन्ग हाफ लाइफ होती है इन ड्रग्स के अंदर. तो इसके अंदर हमने ड्रग कौन सी बोली हैं? लेवोस्टेटिन और एटारवोस्टेटिन नाम की ड्रग्स अपन देते हैं. ये HMG के एनालॉग्स हैं. HMG कोएंजाइम रिडक्टेज कैटलाइज करता है मेवलोनिक एसिड के सिंथेसिस को HMG कोएंजाइम ए से, और एंड इज़ द रेट लिमिटिंग स्टेप इन कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस. कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप भी है. तो मेवलोनिक एसिड बनता है इसकी वजह से, जिससे कि लीड्स टू अप रेगुलेशन ऑफ LDL रिसेप्टर्स इन लिवर. लेवल में LDL रिसेप्टर का भी अप रेगुलेशन हो रहा होता है. इसका एक्शन क्या करता है? LDL को डिक्रीज कर देता है 20-55%, ट्राइग्लिसराइड को डिक्रीज करता है 10-35%, और HDL के सिंथेसिस को बढ़ा देता है. TG ट्राइग्लिसराइड है, LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं. अब HMG कोएंजाइम ए इनहिबिटर्स के एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिल रहे होते हैं, जैसे हिपेटोटॉक्सिटी कॉज कर देता है, हेडेक, स्लिप डिस्टर्बेंस, मायोपैथी, GIT के अंदर एनोरेक्सिया वगैरह कॉज कर देता है. हिपेटोटॉक्सिटी कैसे? क्योंकि ये सीरम ट्रांसमिनेज लेवल को बढ़ा देता है, हेडेक और स्लिप डिस्टर्बेंस कॉज करता है, मायोपैथी में मसल पेन होने लग जाता है, वीकनेस हो जाती है क्योंकि प्लाज्मा क्रिएटिनिन काइनेज का लेवल जो है वो तेज़ी से बढ़ता है GIT के अंदर. और ये इसके साथ में ये क्या करता है, मायोग्लोबिन यूरिया भी कॉज कर देता है, यानी मायोग्लोबिन यूरिन में निकलना स्टार्ट हो जाता है, विच में लीड टू यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन, जिससे कि यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है.
सीपीके लेवल मेजर होता है इस कंडीशन में. इंक्रीज्ड चांसेस व्हेन मिक्स्ड विद फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स. अगर फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स के साथ में एचएमजी कोएंजाइम इनहिबिटर को मिला करके दो तो ये ज़्यादा कंडीशन वर्सन हो जाती है. ये कैटेगरी एक्स में आते हैं, प्रेगनेंसी में कैटेगरी एक्स की दवाइयों के अंदर एचएमजी कोएंजाइम इनहिबिटर्स आते हैं. इसके अलावा जीआईटी मैंने कहा ये एनोरेक्सिया नोजिया वॉमिटिंग और डायरिया कॉज कर देते हैं, तो इसलिए. और यहाँ पर मैंने कहा प्रेगनेंसी में कैटेगरी एक्स है, इसका मतलब स्टैटिन जो है वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि ये टेराटोजेनिक इफेक्ट दिखाते हैं. टेराटोजेनिक इफेक्ट मैंने कहा कि बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है, फीटस की ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है और नॉर्मल बच्चा पैदा नहीं होता. ये भी निमोनिक है, एचएमजी जो है वो एडवर्स इफेक्ट का स्टैटिन जो है वो देखी जा रही होती है. थेरेपेटिक यूज़ क्या है? ग्रेट फॉर ऑल हाइपरलिपिडीमियाज इन्वॉल्विंग इंक्रीज लेवल ऑफ एलडीएल. वो सभी हाइपरलिपिडीमिया जिसमें एलडीएल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उसमें काफ़ी अच्छी दवाई मानी जाती है, या कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है. एथीरोस्क्लेरोसिस में दे सकते हो, स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए दे सकते हो, सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी प्राइमरी ये ड्रग दी जा रही होती है. दूसरी आती है बाइल एसिड रेजिन या बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स इसको अपन कहते हैं, या बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स इसको अपन कहते हैं. इसमें कोलेस्ट्रामिन और कोलेस्टीपोल बाइंड बाइल सॉल्ट आते हैं गट के अंदर, जो कि एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं और स्टूल में इसका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है. ये हाइपरलिपिडीमिया के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं. ओरली दिया जाता है, मील में इसको डोज को डिवाइड किया जाता है. कॉमनली एडवर्स इफेक्ट इसके अनपैलेटेबिलिटी, ये पैलेटेबल होते नहीं हैं. ये ब्लॉटिंग मतलब आफरा कॉज कर देते हैं, नोजिया, फ्लैट्यूलेंस कॉज कर देते हैं. फ्लैट्यूलेंस स्टूल पास में प्रॉब्लम, फ्लैट्यूलेंस फ्लैट स्टूल पास होता है, कॉन्स्टिपेशन ये कॉज कर देते हैं. तो कोलेस्टामिन इसके अंदर आने वाले ड्रग हैं. एनायन एक्सचेंज रेजिन्स बाइंड करते हैं बाइल एसिड के साथ में इंटेस्टाइन के ल्यूमन के अंदर और एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन को ये ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि बाइल का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से. दिस कॉजेज एन अपरेगुलेशन ऑफ हिपैटिक एलडीएल रिसेप्टर. हिपैटिक एलडीएल रिसेप्टर का अपरेगुलेशन होने लग जाता है और कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है. इसका एक्शन जो है वो एलडीएल को कम करता है 10-35% तक. ये कहीं पर भी एब्जॉर्ब नहीं होती है बाइल एसिड रेजिन. इसके एडवर्स इफेक्ट मैंने बोल करके आपको भी पहले बताए थे, कॉन्स्टिपेशन, फ्लैट्यूलेंस, डिस्पेप्सिया हो जाता है, ट्राइग्लिसराइडीमिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाइपर क्लोरेमिक एसिडोसिस हो जाता है. बाइंड ये बहुत सारी चीज़ों को बाइंड कर देते, जैसे ड्रग्स को, विटामिन्स को, टॉक्सिन्स को, या एनीथिंग जो फैट सॉल्युबल है उन सबको ये बाइंड कर लेता है, जिससे कि उनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है. प्री एग्जिस्टिंग कोगुलोपैथी जो है अगर किसी को, तो उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है क्योंकि ये विटामिन के एब्जॉर्प्शन को रोक देती है. इसका यूज़ हाइपरलिपिडीमिया में, स्पेशली आइसोलेटेड इंक्रीज ऑफ एलडीएल में इसका जो है वो देखा जा रहा होता है इफ़ेक्ट, और डायरिया में जिसमें एक्सेस फीकल बाइल रेजिन निकल रहे होते हैं डायरिया के अंदर, ये इसका यूज़ है. नेक्स्ट है वीएलडीएल सिक्रीशन इनहिबिटर्स. VLDL secretion inhibitors के अंदर नियासन जो विटामिन B3 है वो आता है, MOA जो कि VLDL के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है हिपेटोसाइट के द्वारा, ये लिवर में TG के सिंथेसिस को कम करता है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को एडिपोज में इनहिबिट कर देता है, LPL को स्टिम्युलेट करता है जिससे कि VLDL का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है. इसका एक्शन एलडीएल को कम करता है 15-25% केस में, वीएलडीएल को 40% केस में कम कर देगा, टीजी को 30-50% तक कम कर देता है ट्राइग्लिसराइड को, और एलडीएल को बढ़ाता है 15-30%. नियासिन मोस्ट इफेक्टिव है एचडीएल लेवल को बढ़ाने के लिए. अगर किसी में एचडीएल लेवल फीमेल्स में नॉर्मली बढ़ा हुआ होता है, मेल में कम होता है एचडीएल का लेवल क्योंकि उनमें स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा होता है, तो उनमें अपन ये नियासिन ड्रग जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं देनी. नियासिन जिसको अपन निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है
प्लाज्मा में टीजी को बढ़ा देता है, सॉरी कम कर देता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करता है और एसडीएल को बढ़ाता है। ये लाइपोलाइसिस को इनहिबिट करता है एडिपोज टिश्यू में, जिससे कि हिपैटिक वीएलडीएल का प्रोडक्शन कम होने लग जाता है। मेन इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है? फ्लशिंग, डिस्पेप्सिया। फ्लशिंग को रिड्यूस कर सकते हैं अगर अपन नियासिन को एस्पिरिन के साथ में कंबाइन करके दें या फिर लो डोज में अपन दें। अदर साइड इफेक्ट के रूप में इचिंग, हेडेक, हाइपर पिगमेंटेशन, पैप्टिक अल्सर, हाइपर यूरिसीमिया, हिपेटोटॉक्सिसिटी, हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाता है और ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो यहाँ इसके यूजेस वगैरह दिए हुए, वीएलडीएल सिक्रीशन इनहिबिटर्स देखिए भाई। वीएलडीएल सिक्रीशन इनहिबिटर्स के एडवर्स इफेक्ट क्यूटेनियस फ्लशिंग कर देता है। एनएसएआईडी के साथ में ये नहीं दिए जाते हैं। हिस्टामिन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है, जिससे प्योराइटिस, खुजली मचने लग जाती है, रैशेज होता है, नोजिया हो जाती है, ग्लूकोज टॉलरेंस कम हो जाता है डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट में, इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। हाइपर यूरिसीमिया ये कॉज कर देता है। तो यूरिक एसिड का सिक्रीशन, ट्यूब्यूल से सिक्रीशन कम हो जाता है, लोअर फाइब्रिनोजन कर देता है, हिपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है और रेप्डोमाइलोसिस हो जाता है। यूजेस हाइपरलिपिडीमिया, जिनमें हाई वीएलडीएल और एलडीएल का लेवल होता है उसके अंदर दिए जाते हैं। पेशेंट जिनमें लो एचडीएल का लेवल है उसमें भी दिया जाता है। अब फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स देखिए। फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स को अपन फाइब्रेट्स भी कहते हैं। इसमें जेम्फी ब्रोजिल आती है, क्लोफिब्रेट्स आते हैं, बेजा फाइब्रेट आते हैं, फिनोफाइब्रेट्स आते हैं, ये सब के सब फाइब्रेट्स हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, पहला तो इनको अपन ओरली देते हैं। मोस्ट इफेक्टिव एजेंट्स है टीजी के लेवल को कम करने के लिए, एचडीएल को बढ़ाते हैं। फाइब्रेट्स हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया किसी को हो जाए तो उसमें काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स के रूप में डिस्पेप्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और फ्लू लाइक सिंड्रोम, जैसे कि मसल पेन और हेडेक रहने लगता है। फाइब्रेट्स क्या करते हैं? लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिविटी रखते हैं, जिससे कि लाइपोप्रोटीन का कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। कैटाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस। और टीजी कम होता है, वीएलडीएल और एलडीएल कम हो जाते हैं। इनका क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? कि ये न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि एलपीएल का सिंथेसिस बढ़ जाता है और टीजी रिमूव हो जाते हैं लाइपोप्रोटीन से, और वीएलडीएल का भी रिमूवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है प्लाज्मा से। इसका एक्शन क्या है? टीजी को कम करता है, वीएलडीएल को कम करता है और एचडीएल को बढ़ाता है। एडवर्स इफेक्ट में मैंने बताया मायोपैथी हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम से एक्चुअली बढ़ जाता है, कोलिथियासिस यानी गॉल ब्लैडर का स्टोन हो जाता है क्योंकि बिलरी एक्सक्रीशन बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल का। थेरापेटिक यूज टाइप थर्ड लाइपोप्रोटीनीमिया में इसको दिया जाता है, जिसको अपन फैमिलियल बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया भी कहते हैं। और हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया किसी को हो जाए तब भी अपन ये फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स देते हैं। इंटेस्टाइनल स्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर के रूप में एजिटामिड देते हैं, लोकलाइज एट द ब्रश बॉर्डर। सेलेक्टिव इनहिबिट्स कर देते हैं ये इंटेस्टाइनल के एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन में, या कोलेस्ट्रॉल जैसे कोई दूसरे स्टेरॉल से उनके एब्जॉर्प्शन में भी, उनके एब्जॉर्प्शन भी ये इंटेस्टाइन में नहीं होने देते हैं। ओनली ब्लॉक्स एक्सोजीनस स्टेरॉल इनटेक, जो बाहर से अपन स्टेरॉल ले रहे हैं उनके इनटेक को ही ये ब्लॉक कर रहे हैं, अपने बॉडी वाले को ब्लॉक नहीं कर रहे। इसके एक्शन में ये एलडीएल टीजी को कम कर रहे हैं। दिस ड्रग वीक अलोन, अगर आप इसको अकेले लेते हैं तो ये काफ़ी वीक ड्रग मानी जा रही होती है। तो एजिटामाइब को अपन कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर भी कहते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्ब नहीं होता। जनरली ये स्टैटिन के रूप में यूज़ होता है, ओरली देते हैं, दिन में सिर्फ एक बार दी जाती है। रेयरली ये एलर्जिक रिएक्शन जैसे रैशेज वगैरह कॉज करती हैं, बहुत रेयरली, जनरली ये कॉज नहीं करती। इंटेस्टाइन स्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर जो हैं उसके एडवर्स इफेक्ट में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, मैंने कहा भाई रैशेज हो सकते हैं या सीवियर हिपैटिक डिजीज़ अगर आप लंबे समय तक इस दवाई को ले रहे हैं तो ये हो सकता है। यूजेस स्टैटिन के साथ में कंबाइन करके आप हाइपरलिपिडीमियाज में दे सकते हैं इस दवाई को। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होती है, जो कि काफ़ी
इफ़ेक्टिव मानी जाती है हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया को ट्रीट करने में। ये ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम कर देती है, इसकी वजह से नोजिया और बेल्चिंग हो सकते हैं। एक चीज़ मैं इसको ख़त्म करने से बता दूँ, क्योंकि ख़त्म होने वाला है हमारे टॉपिक, तो उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ कि देखिए नियासिन जो है वो ट्राइग्लिसराइड को फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है एडिपोज टिश्यू में, और लीवर में फिर ये फ्री फैटी एसिड जाकर के ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है, ट्राइग्लिसराइड से VLDL बनता है। ये मैकेनिज्म चलता है, ट्राइग्लिसराइड से फ्री फैटी एसिड से ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड से VLDL। तो एक्चुअली नियासिन इस चीज़ को रोक देता है, तो इस चीज़ को रोकता है जिससे VLDL का फॉर्मेशन कम हो जाता है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है नियासिन का। इसके साथ आपकी ये एंटी हाइपरलिपिडिमिक ड्रग्स जो है या हाइपोलिपिडिमिक ड्रग्स जो है यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।